हरियाणा विधानसभा के परिणाम करीब आ चुके हैं, जिनमें भाजपा पुनः सत्ता में लौटती नजर आ रही है, चाहे वह गठजोड़ से चाहे अपने दम पर। लेकिन इन विधानसभा चुनाव में अगर ये कहा जाए कि 75 पार का आंकड़ा कहने वाली भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत लेने में कामयाब नहीं हो पाई है, वहीं पर कांग्रेस ने पिछली बार से बढ़त बनाकर ये साबित कर दिया है कि हरियाणा में वजूद भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ ही है। क्योंकि ऐन मौके पर हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने जिस हिसाब से पार्टी को बाय बाय कहकर झटका दिया था, उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। लेकिन जेजेपी जो 11 महीने पहले ही गठित की गई थी, वह अपने दम पर एक अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही। लेकिन अगर इसको ये माना जाए कि यह अपने दम पर प्रदर्शन में कामयाब हुई, उचित नहीं है, क्योंकि इनेलो में उस समय विभाजन हुआ जब वह सत्ता के करीब पहुंचने वाली थी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये कोई जेजेपी की जीत नहीं है, क्योंकि जेजेपी ने तो इनेलो से जो सत्ता के नज़दीक थी उस पर अपना मुखौटा लगा लिया। लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज होता है। अब हरियाणा में आया राम गया राम के नाम से गिनती होती है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कांग्रेस के साथ जाने में दुष्यंत सीएम की कुर्सी पर नज़र टिकाए हुए हैं, जबकि भाजपा डिप्टी सीएम की ऑफर देने पर राजी होती नजर आ रही है। वहीं पर अब सत्ता की चाबी जेजेपी के हाथ में आ गई है। अब देखना होगा कि जेजेपी किसका ताला खोलेगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।